हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई विश एंड प्रे सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्रैवल ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं सुंदरबन घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी पूजा चल रही है, जैसे कि आज है अष्टमी। ब्लॉग थोड़ी दिन बाद आएगी, लेकिन पूजा में अभी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, कहीं ये नहीं जा सकते। पूजा पैंडल से आप लोगों को 10 फीट दूर में रहना है, तो अगर पैंडल आप ठीक से देख ही नहीं पाओगे तो फिर जाने का देखने का कोई मतलब है नहीं। सो इसीलिए हमने प्लान किया कि कहीं ना बाहर घूम के आते हैं। सो आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ एक ट्रैवल ब्लॉग। सो अगर आप बाद में कभी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो सब मैं सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो अगर भी पसंद आ जाएगा तो चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सॉरी लेट द जर्नी बिगिन। सो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। हम जिस टूर्स एंड ट्रेवल्स को बुक किया था उनका जो पिकअप पॉइंट था वो था साइंस सिटी के सामने। तो हम लोग तकरीबन 6:30-7 बजे पहुंच गए थे साइंस सिटी में। उनके और भी बहुत सारे पिकअप पॉइंट्स है, वो आपके लोकेशंस के हिसाब से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। देन वहां पर हम लोग ओला बुक करके गए थे, वरना कोई तो कार अवेलेबल नहीं था। एंड देन 8 बजे हमारी कार आ गई थी। ये इस कार में हम लोग गए थे, हम लोग थे और एक आदमी थी कि क्योंकि वो अकेले थे तो उन्होंने भी हमारे साथ बुक किया था। तो यही 4-5 जन ही थे हम लोग कार में। तो हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करके तकरीबन हम लोग निकल गए थे। एंड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स में, 2.5 घंटे की तकरीबन करीब हम लोग जर्नी करके पहुँचे गोसाबा बाज़ार में। यहाँ पर हम लोगों का कार आके रुक गया था एंड यहाँ से हम लोगों को लेना है बोट। एंड बोट में हम लोग जाएंगे हमारे होटल पे। सो ये है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी सुंदरबन की जर्नी। लॉकडाउन की वजह से हमें लगा कि शायद बहुत खाली होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आए थे फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। सब लोग हमारी तरह ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि कहीं निकलना है। सो पूरा बोट जर्नी था हम लोगों का, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड वो बोट जो था, हमारे बोट का नाम था सुदर्शन। एंड इसमें सारे फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पर। आपको जैसे इस साइड पर आप देख पा रहे हो हम लोग बैठे हुए हैं, मैंने बैठने का जगह है यहाँ पर। यहाँ पर आप पूरा बोट का मज़ा ले सकते हो, शेड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एंड टॉयलेट एरिया है, फिर आप छोटे छोटे रूम्स बनाया गया है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो सारे प्लेसेस। फिर किचन भी है जहाँ पर खाना पकाया जाएगा। एंड ये है रूम्स, आप देख पा रहे हो कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड रूम है, बहुत काफ़ी बड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हो। यूजुअली लोग पूरा दिन, कोई लोग रात को भी यहाँ पर बोट में स्टे करते हैं। हम लोग रात को बोट में स्टे नहीं किए थे क्योंकि हमारे साथ बच्चा था, बेबी थी, टिया थी, जिसकी वजह से हम लोग रात को बोट में स्टे नहीं किए थे। तो ये स्टार्ट होता है हमारी जर्नी। एंड ये जो रिवर है, ये है बिद्दाधोरी रिवर, इसके ऊपर से हम लोग का बोट चलना स्टार्ट हुआ। फुल डे हम लोग बोट पर थे, सुंदर एकदम, बहुत अच्छा हवा भी आ रहा था। देन हम लोग का लंच का टाइम हो गया था। वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है, जैसे पापा यहाँ पर वेज खा रहे हैं एंड हम यहाँ पर फ़िश खा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को फ्रेशली एकदम रिवर से पकड़ा हुआ, नदी से पकड़ा हुआ जो फ़िश था वो हम लोगों को खाने को मिला। देन ये जो प्लेस है इसको बोलता है पाखीरालॉय। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स थे, मतलब दिखाई कुछ नहीं दिया लेकिन साउंड्स यहाँ पर जो, तो वो साउंड्स मैंने कैप्चर नहीं किया है, लेकिन सिर्फ पंछियों की साउंड्स हमको दिखाई दे रहे थे। एंड काफ़ी डिफरेंट तरह के पंछी भी थोड़े बहुत दिखाई दिए हम लोगों को। ये कुछ लोग हैं जो बोट पर सवारी कर रहे थे। एंड आज के लिए हम लोग का उस दिन के लिए बस यही था। दिन सनसेट देखे हम लोगों ने, देखी कितना खूबसूरत लग रहा है सनसेट। सनसेट के साथ हम लोग का टाइम हो गया था हम लोग होटल में पहुंचने के लिए। सो ये सनसेट का व्यू मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड ये जो लोकेलिटी है सुंदरबन एरिया की, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मास्क वगैरह पहन के बहुत सारे ट्रैवल लागेज के साथ हम लोग पहुँचे हमारे रिसॉर्ट पर। यह आपुंजन रिसॉर्ट,
ट्रैवल एजेंसी वाले सब कुछ बुक करके दिए थे। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स थे, काफ़ी बड़ा नहीं थे, बहुत मैं हाई फाई वाला रूम नहीं बोलूँगी, लेकिन जो थे एकदम रीजनेबल थे एंड बहुत ही कंफर्टेबल भी थे। एंड बहुत सारे लोग आए थे, सारे रूम फिल हो गए थे। एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये रूम, बहुत लोग आए थे देखने के लिए। सुंदरबन में देखने के लिए हमने कुछ ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं, थोड़ा बहुत जो भी दिखाई दिया लॉकडाउन की वजह से बंद भी है। एंड एनिमल्स वगैरह अभी आप देखोगे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला। एंड ये हम लोगों का रूम, ये बाथरूम, ये बेड्स वगैरह। एंड देन रात को हम लोगों ने डिनर किया चिकन और रोटी के साथ। एंड देन नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे हमारी नेक्स्ट डे की जर्नी के लिए। एंड दिस इज़ माय लुक, ये प्लाजो एक टू पीस सेट मैंने ख़रीदा है अमेजोन से, जो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरे ऊपर, बहुत कंफर्टेबल भी है। मैं बाहर ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ धूप की वजह से। एंड सॉरी, देन हम लोगों ने किया यहाँ पर ब्रेकफास्ट, पूरी सब्जी मिठाई एंड एग, बॉयल्ड एग के साथ। देन हम लोग यही जो रिवर के पास शुदर्नो खाली, शोजने खाली, ये सारे जगह थे यहाँ पर देखने को मिला। एंड जो वो बोट पे बैठे बैठे आपको दिखाई देंगे एनिमल्स, जैसे यहाँ पर मंकीज दिखाई दे रहे थे, बंदर थे बहुत ज़्यादा। एंड ये बाकी अलग अलग बोट्स, यहाँ पर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बहुत मेंटेन किया जा रहा था, बोट्स में बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं था। कुछ डियर देखने को मिला हम लोग के, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कैमरा में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ फ़ोन का, लेकिन ये देखिए कुछ हिरन देखने को मिला हमें। एंड एनिमल्स वगैरह कुछ ज़्यादा दिखने को मिला नहीं, मतलब आपको देखते रहना है, कभी कोई निकल आए तो ही आपको दिखाई देगा। एंड ये दिस इज़ द वन प्लेस, ये है डोबांकी कैंप, यही जगह पर हम लोग उतरे थे, हम लोग को अलाउ किया गया था, बाकी सारी जगह बंद था, जैसे कि हैमिल्टन बंगलो, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगलो, बहुत सारे प्लेसेस थे जो अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से, परमिशन नहीं मिला गया है। ये जो कैंप है यहाँ पर हमें बहुत बड़ा एक ब्रिज है एंड सामने एक वॉच टावर है जहाँ से आप पूरा पूरा एरिया आप देख पाओगे। एंड ये देखिए ये है रेड कलर के क्रैब्स, हमें पहले लगा कि ये फ्लावर्स है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों करोड़ों केकड़े यहाँ पर घूम रहे थे, निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे। यहाँ पर बोला जाता है सुंदरबन में 12-13 तरीके की क्रैब आपको देखने को मिलेगा। फिर बहुत धूप में चलने के बाद हम लोगों को वो वॉच टावर दिखाई दिया यहाँ पर, एक्चुअली इसके ऊपर खड़े होकर अगर दूर दूर तक कोई अगर एनिमल आ रहा है तो आप उसको देख सकते हो। एंड दिस इज़ अ वॉच टावर एंड इसके ऊपर चढ़ के आप इसका पूरा व्यू ले सकते हो। कुछ खास दिखने को था नहीं तो मैंने उतना कवर नहीं किया। ये और एक तरह की क्रैब है जो ब्लू एंड येलो कलर का था, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ब्लू एंड येलो कलर का क्रैब। एंड इसका जो क्रॉल्स है ना वो थोड़ी डिफरेंट तरह की है, एक बड़ा था एक छोटा था, क्रैब्स वहाँ पर मतलब भरे भरे हुए थे। एंड ये वाला चीज़ देखिए, ये है टाइगर के पैर के निशान, जिस जगह पर हम लोग गए थे सुबह को टाइगर आया था पानी पीने, तो हम लोग को टाइगर देखने को नहीं मिले, इसके फुटप्रिंट्स देखने को मिले जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज़ पंचमुखी रिवर, इसमें ना 5 तरह के रिवर आके मिलते हैं तो इसको पंचमुखी रिवर बोला जाता है। देन हम लोगों ने लंच किया नदी के जो फिश था उसके साथ एंड बड़े बड़े प्रॉन्स के साथ, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं सुंदरबन में प्रॉन्स केकड़ा ये सब हम नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा। देन लंच करने के बाद मैं और टिया थोड़ा सा डांस कर रहे थे, अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक बार घूमने के लिए सुंदरबन बहुत अच्छा जगह है, एक बार आप देख सकते हो, एक बार जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पूरा दिन बोट में रहने का यूजुअली मौका हम लोग को नहीं मिलता है। देन हम लोग को देखने को मिला ये है बड़ा वाला एक क्रोकोडाइल था, इतना स्पीड से वो तैर रहा था कि मैं हम क्या बोले फ्रेंड्स, जब हम लोग का बोट गया तो वो कहीं पानी के अंदर चला गया, फिर बहुत दूर जब बोट चला गया फिर वो आके निकला, तो बहुत बड़ा हम लोगों को क्रोकोडाइल, वैसे और भी नॉर्मल क्रोकोडाइल भी दिखने को मिले थे हम लोगों को। देन बोट में बैठ के ये जो सनसेट का जो नज़ारा है ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, सनसेट देखते देखते ये दिन भी ख़त्म हुआ हम लोगों का। देन हम लोग फिर से होटल में पहुँचे एंड थोड़ा सा शाम को हम लोग तैरने को निकले थे, लेकिन मास्क वगैरह पहन के एकदम प्रिकॉशंस लेके हम लोग थोड़ा तैरने को निकले। देन हमारी जो बोट मतलब होटल था, रिसोर्ट था, उन लोगों ने एक फोक डांस अरेंज किया था, ये सुंदरबन का फोक डांस है। अगर पर्टिकुलर डे पे 15 या 20 से ज़्यादा गेस्ट मतलब वहाँ पर रहते हैं किसी दिन, तो वो लोग ये अरेंज करते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया उनमें, बहुत मज़ा आया हमें, मैं क्या बोलूँ। एंड लोग भी बहुत ज़्यादा थे तो उन लोगों ने ये अरेंज किया था, ये अरेंजमेंट्स वो लोग करते हैं।
एंड फिर हम लोग लिंग ने थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर ख़रीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिली। यूजुअली वुडन ज्वेलरी वुडन प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिले, जैसे कि ये है एक वुडन क्रोकोडाइल, आप बच्चों के लिए या खुद के लिए भी ऐसे ख़रीद सकते हो। बहुत सारे सोफीज़ वगैरह भी थे यहाँ पर, एक की चेन थे जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरबन की फेमस है एंड हम लोग का नेशनल एनिमल है वो देखने को मिला है। एंड हम मैंने और टिया ने एक सॉफ्ट टॉयज ख़रीद लिया था, मेरा टाइगर का नाम था शेरू एंड टिया के लायन का नाम था सिम्बा, और कुछ तो मतलब यू एक्चुअल वाला तो देखने को नहीं मिला, तो हम लोग ने वो ख़रीद लिया। सो हम लोग का ट्रिप ख़त्म हो गया बहुत ही जल्दी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी रिव्यू दिया क्योंकि मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती थी आप लोगों को, एंड मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग वाला एक ट्रिप था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप घूम के आओ, आपको एकदम बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कहाँ मिलता है नदी के ऊपर, आप पूरा दिन बोट पर सवारी कर रहे हो, हवा चल रही है, आप सनसेट देख रहे हो, सनराइज़ भी देख सकते हो अगर आप सुबह सुबह निकलते हो, तो ये एक्सपीरियंस अमेजिंग है फ्रेंड्स। देन हम लोग का दोपहर का लंच तक हम लोग का टाइम था, देन वो लोग हमें ड्रॉप भी करने वाले थे, तो लंच में हम लोग को मिला क्रैब जो मैं बहुत एक्साइटेड थी, सुंदरबन की स्पेशल क्रैब खाने को मिला हम लोगों को। इट वाज एन अमेजिंग वन, यू नो, वेरी डिलीशियस। एंड देन इसके साथ ख़त्म हो जाता है हम लोग का 3 days का जो ये ट्रिप था वो ख़त्म हुआ। देन हम लोग को फिर उतारा गया वही जगह पर। आई होप कि आपको ये वीडियो ये ब्लॉग पसंद आया है, सुंदरबन घूम के हम लोगों मेरे साथ, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मेरे लिए तो ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग एंड बहुत अच्छा वाला ट्रिप था पूजा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।